दोस्तों वेलकम बैक टू चैनल विजडम सीए। यहां पे है सीए फाइनल इसका के लिए मॉक टेस्ट। ये जो टेस्ट है चैप्टर वाइज टेस्ट है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको रजिस्ट्रेशन करने का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के टेस्ट में आप रजिस्टर कर सकते हैं। बाकी जो भी डिटेल्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगी, जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे वहां पे आप सारी डिटेल्स आप देख पाएंगे, वहां से आप टेस्ट में रजिस्टर कर सकते हैं। जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है ये है 20th ऑफ अक्टूबर 2019, और आपको जो आपकी आंसर शीट हमें ईमेल करनी है वो भी ईमेल करनी है 20th ऑफ अक्टूबर 2019 या उससे पहले। बाकी जो भी रिमेनिंग डिटेल्स हैं जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे सारी की सारी डिटेल्स आपको लिखी वहाँ पर मिल जाएंगी। बाकी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि जो आंसर शीट्स हैं कैसे चेक होती हैं। तो ये है मॉक टेस्ट की एनालिसिस। यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं देवव्रत पांडे, इनका मैं आपको रिजल्ट भी दिखाने वाला हूँ। ये है सीए फाइनल ग्रुप टू इसका। इन्होंने हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आकर के टेस्ट को दिया था, और यहाँ पे जो फैकल्टी हैं जो पेपर्स चेक करते हैं हमारे, ये हैं सीए अरविंद कुमार जो कि हैं सीए क्वालिफाइड हैं, एफसीए हैं, और ये दिशा क्वालिफाइड हैं। यहाँ पे जो स्टूडेंट के मार्क्स है ये है 39 आउट ऑफ 100, और यहाँ पे मैं आपको इम्प्रूवमेंट भी दिखाऊंगा जो कि आईसीआई के रिजल्ट में आपको दिखेगा। कंप्लीट वीडियो एंड तक देखिएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाया था हूँ पेपर की चेक इन कैसे होती है हमारे यहाँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि हमारे एग्जामिनर चेक करते हैं और वो ऑब्जर्वेशंस देखते हैं, तो यहाँ पे कंप्लीट ऑब्जर्वेशंस आपको मिलेंगे लिखा हुआ कि आपको क्या क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ये तो ऑब्जर्वेशन है एग्जामिनर की। यहाँ पे हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे इसको, तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1 जो कि स्टूडेंट ने लिखा था हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आकर के टेस्ट को लिखा था। और यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं जैसे कि आपको कहाँ कहाँ पे मार्क्स कटते हैं, जैसे कि उन्होंने स्पेलिंग मिस्टेक्स जो भी करी थी वो सारी चीज़ आप देख सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने रेड मार्क में हाईलाइट कर रखा है। कंप्लीट लाइन बाय लाइन चेक इन होती है हमारे यहाँ। जैसे कि रीजनेबल की स्पेलिंग गलत है तो यहाँ पे उन्होंने रीजनेबल की स्पेलिंग भी यहाँ पे लिख करके बताया, और अगर आपने अच्छा लिखा हो तो डेफिनेटली आपको अच्छे कमेंट्स मिलते हैं। सो इस तरीके से जो कंप्लीट टेस्ट है ये कंप्लीट टेस्ट इसी तरीके से है। जो भी चीज़ें हैं जैसे कि यहाँ पे इम्प्लीमेंट एक रॉन्ग वर्ड है, इसके जगह पे दूसरा वर्ड होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको ऐसे वर्ड्स नहीं लिखने हैं। तो ये चीज़ें डेफिनेटली आपके मार्क्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा हुआ कि जो इसका का पेपर है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें स्ट्रेटेजी पता नहीं होती है कि कैसे आपको इसका का पेपर लिखना है, और बहुत सारे रॉन्ग वर्ड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इम्प्लीमेंट यहाँ पे एक रॉन्ग वर्ड इन्होंने यूज़ करा है, और यहाँ पे इफेक्टिव, जैसे कि जो भी चीज़ें एग्जामिनर को लगती हैं कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, सारी की सारी चीज़ आपको लाइन बाय लाइन चेक करके आपको मिलेगी यहाँ पे टेस्ट में। तो कंप्लीट मैं आपको एक बार पेपर दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, और जो भी इम्प्रूवमेंट है जो चीज़ें लगनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे जो एडवांटेजेस हैं तो टोटल 3 एडवांटेजेस हैं, इन्होंने एक एडवांटेज लिखा नहीं था, तो यहाँ पे 3rd एडवांटेज जो हमारे एग्जामिनर हैं उन्होंने ऐड कर दिया। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी चीज़ें कमियाँ हैं कंप्लीट तरीके से इसको चेक किया गया है हमारे एग्जामिनर के थ्रू। सो मैं अभी स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ और यहाँ पे ये हमारा पेपर एंड हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी पेपर है कंप्लीट तरीके से चेक होता है, लाइन बाय लाइन चेक इन होती है, और जहाँ पे कमी लगती है हमारे एग्जामिनर वहाँ पे कमेंट भी करके बताते हैं। अब हम बात करें इनके रिजल्ट की। यहाँ पे जो इनके मार्क्स आए थे ये आए थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थे 39 आउट ऑफ 100। मैं आपको इनका रिजल्ट दिखाता हूँ। तो ये है इनका रिजल्ट जो कि इन्होंने हमें भेजा था May 2019, जो कि अभी रिसेंट रिजल्ट आया हुआ है। तो यहाँ पे जो इनका इसका में मार्क है ये है 61। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी इंप्रूवमेंट हुई है इनको, यहाँ पे बहुत अच्छे मार्क्स इसका में मिले हैं। सो अगर सीए फाइनल के आप स्टूडेंट हैं और आपको लगता है कि इसका में आपके मार्क्स हमेशा कम आते हैं और आप इसका के चलते आपका जो ग्रुप टू है निकल नहीं पा रहा है, डेफिनेटली आप इस टेस्ट में रजिस्ट्रेशन करिए। अगर हमें लगता है कि आपको कुछ पर्सनल सजेशन की भी ज़रूरत है तो हमारे जो एग्जामिनर हैं वो आपसे फ़ोन पर बात करते हैं, फ़ोन करके आपसे कॉन्टेक्ट करते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी एक अच्छी गाइडेंस मिल जाती है, और साथ में जो आपके एग्जामिनेशंस हैं चाहे आपको मार्क्स कैसे इंप्रूव करने हैं उसमें आपको काफ़ी अच्छी हेल्प मिल जाती है। सो लिंक मैंने शेयर कर रखा है डिस्क्रिप्शन में, जाकर के आप टेस्ट में रजिस्टर कर सकते हैं। वीडियो बस यहीं तक की है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।